चाइल्ड डेवलपमेंट का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है माइलस्टोन्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट। पहले के लेक्चर में हमने नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट किया था। नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में हमने स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट किया था पिछले लेक्चर में। तो आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक वो है माइलस्टोन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है वैसे वैसे किस तरीके के माइलस्टोन होते हैं जो कि पर्टिकुलरली किसी एज में बच्चे में दिखने चाहिए, यानी किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए बच्चे में। एक साल की एज में, दो साल का बच्चा जब होता है उस टाइम कौन कौन सी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बच्चे में दिखाई देनी चाहिए। इसी तरीके से एज वाइज जो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो बच्चे में दिखाई देनी चाहिए उनको ही माइलस्टोन्स कहा जाता है। ठीक है, यानी एवरेज बच्चे में, एक जो नॉर्मल बच्चा है उसमें एक पर्टिकुलर एज में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक या कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज, क्रियाएं बच्चे में दिखाई देनी चाहिए, वो बच्चा उन सब कामों को कर पाए। अगर वो कर पाता है तो हम मानते हैं कि माइलस्टोन जो है वो बच्चे के ठीक चल रहे हैं, या बच्चा जो है वो नॉर्मल है, या माइलस्टोन को सक्सेसफुली अचीव कर पा रहा है। और अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है इसका मतलब बच्चा जो है कहीं ना कहीं असामान्य है, एबनॉर्मल है, या उसका डेवलपमेंट अपनी एज के बाकी बच्चों से लेट चल रहा है। ठीक है, तो माइलस्टोन आर चेंजेस इन स्पेसिफिक फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी सच एज वॉकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज दैट मार्क द एंड ऑफ वन डेवलपमेंटल पीरियड एंड द बिगिनिंग ऑफ अदर। तो माइलस्टोन ऐसे शारीरिक और मानसिक योग्यताओं में बदलाव को कहते हैं जो कि किसी बच्चे के एक डेवलपमेंटल पीरियड के खत्म होने और दूसरे डेवलपमेंटल पीरियड के स्टार्ट होने की निशानी होते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम पर बच्चे का खड़े होना सीखना, एक पर्टिकुलर एज पर बच्चे का चलना सीखना, दूसरे पर्टिकुलर एज में बच्चे का बोलना सीखना, भाषा का विकास होना बच्चे में। तो ये सारे माइलस्टोन के एग्जाम्पल हैं। फोर स्टेज थ्योरीज माइलस्टोन इंडिकेटेड स्टेज ट्रांजिशन। अब स्टेज थ्योरीज की हम बात करें तो स्टेज थ्योरीज में माइलस्टोन को स्टेज में बदलाव होना माना गया है, यानी जब भी स्टेज में बदलाव होगा तो माइलस्टोन भी बच्चे के चेंज होते चले जाएंगे। स्टडीज ऑफ द अकम्प्लिशमेंट ऑफ मेनी डेवलपमेंटल टास्क हैव एस्टैब्लिश्ड टिपिकल क्रोनोलॉजिकल एजेस एसोसिएटेड विद डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। अब जनरली ये देखा जाता है कि बच्चे में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग माइलस्टोन को अचीव करता है, और जैसे जैसे वो माइलस्टोन को अचीव करेगा इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ पर्टिकुलर विकासात्मक क्रियाओं का विकास हो रहा है, यानी डेवलपमेंटल टास्क को बच्चा करना सीख रहा है अपनी एज के अकॉर्डिंग। However, there is considerable variation in the achievement of milestone even between children with developmental trajectories within the typical range. लेकिन normally देखा जाता है कि बच्चों के विकासात्मक pattern में या बच्चों के विकास में भी difference देखे जाते हैं, यानी बच्चों same age के बच्चों में भी milestone achievement में difference हो सकते हैं। एक बच्चा अगर नॉर्मल है तो वो एवरेज बच्चों की तरह ही अपने माइलस्टोन को अचीव कर लेगा, वहीं अगर बच्चे में किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी है, फिजिकल एबनॉर्मेलिटी है या मेंटल एबनॉर्मेलिटी है बच्चे में, तो बच्चा उन माइलस्टोन्स को लेट अचीव करेगा। या अगर बच्चा जीनियस है, मान लो सामान्य बच्चों से ज्यादा अगर IQ है उसका, या फिजिकली स्ट्रोंग है बच्चा, या IQ ज्यादा है, तो वो माइलस्टोन को अपनी एज के सामान्य बच्चों से जल्दी अचीव करेगा, यानी जल्दी पहुंचेगा उन माइलस्टोन तक। सम माइलस्टोन्स आर मोर वेरिएबल देन अदर्स, फॉर एग्जांपल रिसेप्टिव स्पीच इंडिकेटर डोंट शो मच वेरिएशन अमंग चिल्ड्रन विद टिपिकल हियरिंग, बट एक्सप्रेसिव स्पीच माइलस्टोन कैन बी क्वाइट वेरिएबल।
अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुछ एक माइलस्टोन ऐसे हैं जिनमें ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, वहीं कुछ ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिसेप्टिव स्पीच है, यानी बच्चा जो है दूसरों की कॉपी करके जो बोलना सीखता है, बड़ों को देख रहा है, वो बड़े उसके सामने उसको बुलवा रहे हैं, बड़े बोल रहे हैं बच्चे को कि आप ये बोलो, रिपीट करो आप. तो इस तरीके से बड़ों को देखकर जो स्पीच रिपीट करते हैं बच्चे, उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन बच्चों में देखने को नहीं मिलता है. यानी कि बच्चे सुन के आराम से रिपीट कर देते हैं, लेकिन जब एक्सप्रेसिव स्पीच की बात आ रही है कि बच्चा अपने आप अपनी नीड को, जो भी उसको आवश्यकता है उसको एक्सप्रेस कर रहा है, मांग रहा है बच्चा अपने आप, यानी कोई बुलवा नहीं रहा है उससे, वो अपने आप अपनी नीड को या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, उस टाइम पर काफी ज्यादा वेरिएशन बच्चों में देखने को मिलती है. कुछ बच्चे बहुत आसानी से अपनी बात को रख देते हैं, बड़ों के सामने समझा पाते हैं, कुछ बच्चे उतना इजीली अपनी आवश्यकताओं को नहीं बता पाते हैं अपनी मदर या अदर केयर टेकर को. तो ये जो रीजन है, जो माइलस्टोन में डिफरेंस देखने को मिलते हैं, इसका एक प्रमुख जो कारण है वो है डेवलपमेंटल डिले, यानी कि विकासात्मक देरी हम इसको कह सकते हैं, कि बच्चे के विकास में कहीं ना कहीं डिले हो रहा है, उसके डेवलपमेंटल पैटर्न नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं बन पा रहे हैं, वो उन माइलस्टोन को नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं अचीव कर पा रहे हैं. ए कॉमन कंसर्न इन चाइल्ड डेवलपमेंट इज डेवलपमेंटल डिले इन्वॉल्विंग अ डिले इन एज स्पेसिफिक एबिलिटी फॉर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन. ये वही सेम बात है जो अभी मैंने बताई, कि डेवलपमेंटल डिले एक बहुत ही सामान्य चिंता का विषय है बाल विकास में, जिसमें कि कोई बच्चा अपनी स्पेसिफिक एज वाली एबिलिटीज को अचीव नहीं कर पाता है, बच्चा लेट अचीव करता है उन सभी एबिलिटीज को या उन सभी क्रियाओं को. प्रिवेंशन ऑफ एंड अर्ली इंटरवेंशन इन डेवलपमेंटल डिले आर सिग्निफिकेंट टॉपिक इन द स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. अब अगर किसी बच्चे में डेवलपमेंटल डिले देखे जा रहे हैं, तो वहां पर सबसे एक जो महत्वपूर्ण काम माता पिता को करना चाहिए वो होता है अर्ली इंटरवेंशन, यानी कि स्टार्टिंग में ही पहचान करके डेवलपमेंटल डिले की, और उसका इंटरवेंशन बच्चे को दिया जाए. तो वो तभी दिया जा सकेगा जब जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे के ऊपर पूरा फोकस करेंगे, उसकी एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान रखेंगे कि बच्चा किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, या जो एक्टिविटी उसको पर्टिकुलर एज में करनी चाहिए वो कर रहा है या नहीं कर रहा. बहुत बार पेरेंट्स ध्यान ही नहीं देते हैं कि बच्चा जो है वो एक्टिविटीज कर भी रहा है या नहीं कर रहा, मतलब वो उसको अकेले खेलने को छोड़ देते हैं कि ठीक है भाई अकेला खेल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. डेवलपमेंटल डिले शुड बी डायग्नोस्ड बाई कंपेरिजन विद कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबिलिटी ऑफ अ माइलस्टोन, नॉट विद रिस्पेक्ट टू एवरेज एज एट अचीवमेंट. अब डेवलपमेंटल डिले को डायग्नोसिस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये है कि उस एज में जो माइलस्टोन अचीवमेंट होनी चाहिए, बच्चे की उन माइलस्टोन अचीवमेंट से कंपैरिजन किया जाए, ना कि उसकी एवरेज एज वाले बच्चे की अचीवमेंट के साथ कंपैरिजन किया जाए. क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि अगर साथ वाले बच्चे के साथ आप कंपैरिजन करोगे, मान लो पड़ोस में कोई उसी एज का बच्चा है, और हो सकता है उसमें ऑलरेडी डेवलपमेंटल डिले हो, यानी उसमें पहले से ही देरी से विकास हो रहा हो, और अगर आप अपने बच्चे का कंपैरिजन उस बच्चे से करेंगे, तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि आपके बच्चे का विकास सामान्य चल रहा है या देरी से हो रहा है. तो इट्स बेटर कि आप जो है वो माइलस्टोन से कंपैरिजन करें, यानी सामान्य बच्चे में माइलस्टोन अचीवमेंट किस तरीके से होनी चाहिए, उससे कंपैरिजन करके विकासात्मक देरी या डेवलपमेंटल डिले का पता लगाया जा सकता है. एन एग्जाम्पल ऑफ माइलस्टोन वुड बी आई हैंड कोऑर्डिनेशन विच सकता चाइल्ड इंक्रीज इंक्रीजिंग एबिलिटी टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर. अब माइलस्टोन का एक एग्जाम्पल जो है वो हम ले सकते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन से, यानी आंखों और हाथ का कोऑर्डिनेशन बच्चे में किस तरीके से हो रहा है, इस चीज से हम पता लगा सकते हैं. ये एक माइलस्टोन का एग्जाम्पल है. तो इसमें अगर बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन करना सीख रहा है, तो आपको ये पता लगेगा कि बच्चे का जो विकास है वो नॉर्मल चल रहा है.
वहीं अगर बच्चा मान लो 1 साल का बच्चा है और आप उसको हाथ से इशारा कर रहे हैं और वो आप मतलब अपनी आंखों को आपके हैंड के अकॉर्डिंग बच्चा अपनी आंखों को कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, बच्चा देख ही नहीं रहा है आपके हाथ की तरफ, आप जिस तरफ उसको इशारा कर रहे हैं वहां वो नहीं देख रहा है, आपकी उंगली की तरफ वो नहीं देख रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे में कहीं ना कहीं ऑटिस्टिक होने के चांसेस हैं, बच्चे में ऑटिज्म के ट्रेट जो है वो कहीं ना कहीं शो हो रहे हैं। इंक्रीज नॉलेज ऑफ एज स्पेसिफिक माइलस्टोन अलाउज पेरेंट एंड अदर टू कीप ट्रैक ऑफ एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट। तो पेरेंट्स को माइलस्टोन की नॉलेज होनी चाहिए, हर एक पेरेंट को माइलस्टोन की नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर एज में बच्चे को किस तरह की क्रियाएं करनी है। तो इससे फायदा क्या होगा कि बच्चे को अगर नॉलेज होगी तो वो प्रॉपर ट्रैकिंग कर पाएंगे कि बच्चे का विकास ठीक से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। अब की डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ पर माइलस्टोन की ही बात हम करेंगे आगे। तो बच्चे के डेवलपमेंट में या बाल विकास में कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक होते हैं या कौन से महत्वपूर्ण डोमेन्स होते हैं उनकी हम बात करेंगे कि किस तरह के डेवलपमेंट बच्चे में होने चाहिए जिस समय उसका विकास हो रहा होता है। तो मेनली 4 डोमेन है, ये 4 तरह के विकास की बात यहाँ हो रही है। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थिंकिंग स्किल जिसमें आती है संज्ञानात्मक विकास। तीसरा है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास। एंड फोर्थ है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, इट मीन्स सामाजिक सांवेगिक विकास। ठीक है, तो यहां पर देखो डेवलपमेंटल पैटर्न या माइलस्टोन्स बताए गए हैं कि कितने से कितनी एज में किस तरह के विकासात्मक पैटर्न होने चाहिए या किस तरह के माइलस्टोन दिखने चाहिए बच्चे में। डेवलपमेंटल टेबल है ये बर्थ टू 18 मंथ, यानी जन्म से 18 महीने के बीच में बच्चे में किस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज, किस तरह की कॉग्निटिव एबिलिटीज, लैंग्वेज डेवलपमेंट या सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए बच्चे में, उसकी हम बात करेंगे। तो पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं हम। 1 से 3 महीने का जब बच्चा होता है शोज इंटरेस्ट इन ऑब्जेक्ट एंड ह्यूमन फेसेस। 1 से 3 महीने का जो बच्चा है, एक नॉर्मल बच्चा क्या करता है, किस तरीके से उसके संज्ञानात्मक विकास को हम पहचान सकते हैं कि वो बच्चा तरह तरह के ऑब्जेक्ट और जो ह्यूमन फेसेस हैं उनमें इंटरेस्ट दिखाता है, यानी वो बच्चा अटेंशन देता है उनकी तरफ। अगर आप उसको बोलेंगे, उसके पास जाके उसको कुछ बोलेंगे तो वो बच्चा आपकी तरफ स्माइल भी करेगा, आपकी तरफ देखेगा। ठीक है, एक नॉर्मल बच्चा ये सब एक्टिविटीज करेगा। मे गेट बोर्ड विद रिपीटेड एक्टिविटीज, अगर लगातार आप एक ही तरह की एक्टिविटी उसके साथ बार बार कर रहे हो तो बच्चा बोर होता भी आपको दिखाई देगा। यानी थोड़ी देर दो, मान लो आप बार बार हंसाने की उसको कोशिश कर रहे हो तो ये नोट करना आप कभी कि थोड़ी देर तो वो हंसेगा, लेकिन आप कंटिन्यू आधा घंटा एक घंटा वही सेम एक्टिविटी कर रहे हो तो फिर वो धीरे धीरे स्माइल करना बंद कर देगा, या जो रिफ्लेक्स एक्शन उसके आ रहे थे आपको जो दिखाई दे रहे थे वो कम हो जाएंगे। 4 से 6 महीने में बच्चा किस तरह की कॉग्निटिव एबिलिटीज दिखाता है, फैमिलियर फेसेस को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है, यानी अपनी मदर या घर में और जो फैमिली मेंबर हैं जो उसके साथ डेली इंटरेक्ट करते हैं उनको पहचानना स्टार्ट कर देता है, म्यूजिक को नोटिस करना स्टार्ट कर देता है बच्चा। ठीक है, जैसे ही म्यूजिक बजेगा तो बच्चा जो है उधर ही अपना सिर घुमाएगा या अपनी आंखों को उस तरफ म्यूजिक की दिशा में कोऑर्डिनेट करेगा। इसके अलावा लव और अफेक्शन अगर शो किया जाता है तो उसकी तरफ भी बच्चा रिस्पोंड करना स्टार्ट कर देता है। 5 से 9 महीने का जो बच्चा है वो अपने हाथ को मुंह तक ले जा पाता है आसानी से, अपने आप ही अपने हाथ को मुंह तक ले जाता है। इसके अलावा पासेस थिंग फ्रॉम वन हैंड टू द अदर, यानी अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में चीजों को पास कर सकता है बच्चा, अपने आप ही अपने हाथों की कोऑर्डिनेशन करने लग जाता है 5 से 9 महीने के बीच में। 9 से 12 महीने में वॉचेस थिंग्स फॉल, बच्चा जो है अगर उसके सामने चीजों को गिराओगे आप तो बच्चे का जो आई कोऑर्डिनेशन है वो चीजों की तरफ एकदम सटीक रहता है, यानी अगर एक चीज आपने ऊपर रखी हुई है और नीचे गिरा रहे हो आप तो बच्चे की आई कोऑर्डिनेशन ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम उस चीज के साथ साथ चलेगी। ठीक है, अगर आप चीजें छुपा देते हो,
हिडन थिंग्स को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। बच्चा उनको ढूंढेगा, आपने कोई चीज छुपा दी तो उसको एक्सप्लोर करेगा, उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। 12 से 18 महीने के बीच में बेसिक चीजों का यूज करना सीख जाता है, जैसे कि स्पून पकड़ना सीख जाएगा, ठीक है, बॉडी पार्ट्स को पॉइंट आउट करना सीख जाता है, आंखें कहाँ हैं, लिप्स कहाँ हैं, ईयर कहाँ है, ठीक है, ये सब चीजें बच्चा बताने लग जाता है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 1 से 3 महीने का बच्चा क्या करता है, ट्राइज टू लुक एट यू एंड अदर पीपल। आप अगर बोलोगे उसको या दूसरा कोई आदमी बोलेगा तो उनकी तरफ देखते हैं, लोगों की तरफ स्माइल करते हैं। 4 से 6 महीने में क्या करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन की तरफ रिस्पोंड करते हैं। दूसरा, लोगों के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की वॉइस टोन उनको सुनाई दे रही है तो उसकी तरफ अलग तरीके से रिएक्ट करने लग जाते हैं। आप खुश होके बोलोगे तो अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, आप थोड़ा गुस्से में बोलोगे तो अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, आप म्यूजिक सुनाओगे तो अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। 5 से 9 महीने के बच्चे को ये पता लग जाता है कि कोई स्ट्रेंजर उनके पास है, वो पहचानने लग जाते हैं कि कौन से लोग मेरे अपने हैं और कौन से लोग जो हैं वो नए लोग हैं आसपास। 9 से 12 महीने के बच्चे जो हैं वो ज्यादातर अपनी फैमिली मेंबर्स के पास रहना पसंद करते हैं, अगर कोई स्ट्रेंजर उनके पास आता है तो वो उससे छिपने लग जाते हैं या फिर उसको इग्नोर करने लग जाते हैं, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज बच्चे दिखाते हैं। 12 से 18 महीने में बच्चे सिंपल गेम खेलने लग जाते हैं, उनके टेंट्रम बच्चों के स्टार्ट हो जाते हैं, यानी अगर उनको जो आप देखते होंगे चीज अगर उनको नहीं मिल रही है जो वो चाह रहे हैं तो बच्चे जमीन पे लेट जाएंगे, हाथ पैर मारने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे, चीजें तोड़ना फेंकने लग जाएंगे, ये सब चीजें टेंट्रम कहलाते हैं। जो स्ट्रेंजर्स होंगे, नए जो लोग होंगे, वो अगर पास आएंगे तो रोना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं मुझे ये ले ना जाए यहाँ से या फिर। थर्ड है लैंग्वेज। 1 से 3 महीने के बच्चे में कूइंग करता है वो, सिर्फ यानी सिर्फ वो साउंड निकालता है अपने मुंह से, और वोवल्स की साउंड यानी ए ई आई ओ यू, सिर्फ इनकी साउंड निकालेगा वो, बाकी कोई और साउंड वो नहीं निकालता है। जब भी उनसे आप बोलते हो तो वो एकदम से शांत हो जाते हैं, ठीक है, जैसे वो कूइंग कर रहे हैं, लेकिन आप उसको बोलोगे तो बच्चा आपकी तरफ ध्यान देता है, अटेंशन देता है और वो शांत हो जाता है, उसके बाद वो रिएक्ट करता है कुछ ना कुछ जो भी करेगा। अलग अलग नीड के लिए अलग तरीके से रोते हैं बच्चे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो ज्यादातर को नहीं पता होती है, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो बच्चा अपनी हर एक नीड के लिए अलग तरीके से रोता है। तो ये माँ को, जनरली जो मदर ध्यान देती है माँ को ही पता लगता है। बिगिन टू बेबल, 4 से 6 महीने में बेबलिंग स्टार्ट हो जाती है उनकी, और जो है कहीं ना कहीं साउंड की कॉपी करने की कोशिश करते हैं बच्चे, हंसना स्टार्ट हो जाता है 4 से 6 महीने में बच्चे में। 5 से 9 महीने में बच्चा जो है अपना नाम सुनकर रिस्पोंड करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा वोवल्स में कॉन्सोनेंट साउंड भी वो ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। इशारों से कम्युनिकेट, इशारों से बातें करना वो कहीं ना कहीं मतलब स्टार्ट कर देते हैं इशारों में। 9 से 12 महीने में पॉइंट आउट करने लग जाते हैं चीजों को, इशारे करके पॉइंट आउट करके बता देंगे आपको, ठीक है, नहीं का मतलब समझने लग जाते हैं बच्चे। इसके अलावा इशारों को और आवाजों को जो है कॉपी करने लग जाते हैं 9 से 12 महीने में। आप जो भी बुलवाने की कोशिश करोगे उसको बोलने की कोशिश करेंगे वो, सॉरी, नोज हाउ टू से सेवरल वर्ड्स। 12 से 18 महीने में वो कई सारे शब्द बोलना सीख जाते हैं, नो कहना सीख जाते हैं, बाय बोलना सीख जाते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी किस तरीके की दिखती है बच्चे में 1 से 3 महीने में, किसी भी आवाज को सुनकर उसकी तरफ अपना सिर घुमाते हैं 1 से 3 महीने में, उनकी आंखें ऑब्जेक्ट को फॉलो करती हैं,
चीजों को पकड़ना, ग्रेस्पिंग का रिफ्लेक्स होता है उनमें। ये पहले भी बताया था कि जैसे हथेली पे आप उंगली रखोगे या हाथ रखोगे तो वो पकड़ लेते हैं, या कोई कोई भी चीज अगर रखोगे तो पकड़ लेते हैं वो। ग्रेजुअली लिफ्ट हेड फॉर लॉन्गर पीरियड। अब क्या करते हैं, 1 से 3 महीने में बच्चा जो है वो कोशिश करता है, हालांकि उठा नहीं पाता है 1 से 3 महीने का बच्चा, लेकिन कोशिश करता है अपने हेड में मूवमेंट करने की, अपने हेड को उठाने की, लेकिन 1 से 3 महीने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। 4 से 6 महीने का जो बच्चा है वो चीजों को देखना स्टार्ट कर देता है अपने आप ही, बिना पॉइंट आउट किए, और उनको नोटिस करना स्टार्ट कर देता है। कुशीज ऑफ द डैम वैन ऑन टमी। तो बच्चा जो है, मान लो अगर आप उसके पेट पे या कहीं भी ट्रंक वाले पोर्शन पे कहीं भी टच करते हो, आप कहीं भी हाथ रखोगे या उंगली रखोगे, तो बच्चा जो है वो हटाना स्टार्ट कर देता है अपने हाथ से। माइट बी एबल टू रोल ओवर, पलटना, यानी बच्चा जो है आपने सीधा लिटा रखा है तो बच्चा रोल ओवर करना स्टार्ट कर देता है, बच्चा उल्टा हो जाता है। अगर आपने उल्टा लिटा रखा है तो वो सीधा हो सकता है अपने आप ही। 5 से 9 महीने में बिना सपोर्ट के बैठना स्टार्ट कर देते हैं। मे बाउंस व्हेन हेल्ड इन स्टैंडिंग पोजिशन। अगर वो खड़ा है तो बाउंसिंग, यानी बच्चे जो है सीधा अगर आपने खड़ा कर रखा है उसको, तो वो उछलना कूदना स्टार्ट कर देते हैं, यानी बाउंसिंग करता है बच्चा। ठीक है, ये देखा होगा कि बहुत बार एक टांग को उठाते हैं वो, या बहुत बार मतलब कोशिश करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना चलने की कोशिश कर रहा है बच्चा, वो वाली चीज होती है। रोल्स इन बोथ डायरेक्शन, बच्चा दोनों डायरेक्शन में इजीली रोल ओवर कर सकता है, यानी सीधा भी आराम से हो जाता है बच्चा बिना किसी एफर्ट के, और सीधे से उल्टा भी आराम से लेट जाता है। 9 से 12 महीने का बच्चा पुल्स अप इनटू स्टैंडिंग पोजीशन, खड़ा होना आराम से सीख जाता है, क्रोलिंग सीख जाता है, घुटनों के बल सीखना चलना सीख जाता है। 12 से 18 महीने का बच्चा चीजों को पकड़ के चलना सीख जाता है, धीरे धीरे अपने आप बिना सहारे के खड़ा होना सीख जाता है। स्टेयर्स भी वो 1 या 2 सीढ़ियां भी चढ़ सकता है बिना सहारे के, और अपने आप ही बच्चा जो है वो कप से पानी पीना भी मतलब होल्ड करना सीख जाता है उसको, और अगर आप बोलोगे कि आप पानी पी लो इसको पकड़ के, तो बच्चा इजीली पी सकता। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंटल टेबल 18 से 2 साल के बीच में, 18 to 2 years। ठीक है, 18 से 2 महीने के बीच में है, तो इसमें भी चारों चीजें हमें वही देखनी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल, लैंग्वेज एंड मूवमेंट। तो पहले हम 18 महीने के बच्चे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज बच्चा करता है। एक 18 महीने का बच्चा मे आइडेंटिफाई फैमिलियर थिंग्स इन पिक्चर बुक्स। तो कोई भी पिक्चर वाली फोटोज जिस बुक्स में है वहां पर वो फैमिलियर चीजों को आसानी से पहचान लेता है। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या किस काम आते हैं वो सब चीजें वो बता सकता है। ठीक है, ड्रॉइंग वगैरह कर सकता है इजीली। और इसके अलावा बच्चा अगर उसको आप बोलोगे कि प्लीज स्टैंड अप, या अगर सिंगल डायरेक्शन देते हो आप, कोई भी रिक्वेस्ट उनसे करते हो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, तो ये सब चीजें बच्चा आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कर पाता है। ठीक है, सोशल एंड इमोशनल में मे हेल्प विद टास्क लाइक पुटिंग अवे टॉयज। तो बच्चा जो है अगर आप उसको बोलोगे अपने खिलौने साइड में रख दो तो वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लग जाता है, और बच्चा जो है कहीं ना कहीं प्राउड फील करने लगता है अपने आप में कि मैं ये काम कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चा इस चीज को अकम्प्लिश करने लग जाता है, वो जो भी काम कर पाता है, कोई भी काम आप उसको बताते हो और उसने वो कर दिया, तो बच्चा अपने आप पे प्राउड फील करता है, अपने आप को मिरर में पहचानने लग जाता है। ठीक है, और मिरर में देख के फेसेस बनाने लग जाता है बच्चा। अगर पेरेंट आसपास रहते हैं उसके, तो एक्सप्लोरिंग भी वो स्टार्ट कर देता है। बच्चा आसपास की को जाकर देखेगा, आपने देखा होगा अगर किसी पड़ोसी के घर भी ले जाओ बच्चे को, तो बच्चा उसके पूरे घर में घूम फिर के और सारी चीजें देख आएगा,
सारी चीजें उठा उठा के इधर उधर देखेगा, सारे रूम में बच्चा घूम के आ जाएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट में 18 महीने में बच्चे में बच्चा कई सारे वर्ड सीख जाता है। सिंपल डायरेक्शन अगर आप बताओगे तो वो फॉलो कर लेगा। आप बोलोगे उसको कि सीधा कमरे में जाओ, वहां टेबल होगी, ये रख दो, तो बच्चा जो है वो आपकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सीधा जाएगा, ठीक है, और उस चीज को वहां रखा है। शॉर्ट स्टोरीज और सॉन्ग बच्चे सुनना पसंद करने लग जाते हैं 18 महीने की एज में। उनको ड्रेसअप होना अच्छा लगता है, कैन हेल्प इन गेटिंग ड्रेस, ठीक है। इवन खुद भी बच्चे ड्रेसअप होना पसंद करते हैं, मतलब बहुत बार बच्चे देखा होगा अपने पेरेंट्स पहनाने लग जाते हैं उनको, तो वो बोलेंगे कि नहीं मुझे खुद करने दो। भागना स्टार्ट कर देता है बच्चा, एक कप से पानी या कुछ भी चीज वो आसानी से पी लेता है, स्पून से खा सकता है बच्चा, और एक खिलौने को खींचते खींचते चल सकता है वो। फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी है, कोई और टॉय है, टेडी बियर है, तो उसको खींचते खींचते चल सकता है, डांस करता हुआ बच्चा दिख सकता है, और चेयर पे बैठना सीख जाता है अपने आप ही। 24 महीने में बच्चे में ये चीजें दिखती हैं। ब्लॉक्स को जोड़ के टावर बना सकता है, ठीक है। टू पार्ट इंस्ट्रक्शन, पहले क्या था, 18 महीने तक में सिर्फ वन पार्ट इंस्ट्रक्शन, यानी अभी बताया था सीधा जाओ, वो जो चीज थी सिर्फ उसको ही समझ पाएगा। और टू पार्ट डायरेक्शन में जो है 2 साल का बच्चा, अगर आप दो इंस्ट्रक्शन भी एक साथ दोगे तो उसको भी बच्चा समझने लग जाता है। शेप्स और कलर्स को पहचानने लग जाता है बच्चा, आकार प्रकार को या रंगों को पहचानने लग जाता है। गेम खेलने का दिखावा करता है बच्चा, ठीक है, वो खेल नहीं रहा होता तो भी कहीं ना कहीं प्रिटेंड करता है। एंजॉय प्ले डेट्स, प्लेस बिसाइड अदर चिल्ड्रन, मे स्टार्ट प्लेइंग विद देम, मे डिफाई डायरेक्शन लाइक सिट डाउन एंड कम बैक हियर। तो बच्चा जो है वो डिनाई कर सकता है चीजों को। जो 18 महीने का बच्चा जिसको आप बोल रहे थे कि बैठ जाओ या खड़े हो जाओ, तो वो आपकी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था, वहीं 24 महीने का बच्चा मना करना स्टार्ट कर देता है। वो बच्चा जो है बोल सकता है कि मतलब आप बोलोगे बैठो तो वो बच्चा मना कर सकता है आपको, ठीक है। दूसरे बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, आस पड़ोस के घरों में जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, कैन नेम मैनी थिंग्स, यूजेस सिंपल टू वर्ड फ्रेजेस लाइक मोर मिल्क, सेज द नेम ऑफ फैमिली पीपल, जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं या जो जिन लोगों को वो जानता है उनके नाम बोल सकता है, वो टू वर्ड्स की सेंटेंस बोल सकता है। जैसे अगर उसको पानी चाहिए तो बोलेगा पानी दो, पूरा नहीं बोलेगा बट इतना ही बोलता है। इसके अलावा runs, jumps up and down, stands on tiptoes, यानी कि अपने टोज पे खड़ा हो सकता है, पैर के जो टो हैं सिर्फ उनके ऊपर खड़ा हो सकता है। लाइन और शेप्स को ड्रॉ करना सीख जाता है। थ्रोज बॉल्स, मेक क्लाइम स्टेयर्स यूजिंग रेल्स टू होल्ड ऑन, रेलिंग को पकड़ के स्टेयर्स पे आसानी से चढ़ जाता है। तो ये हम कल करेंगे, आज के लेक्चर में इतना ही होगा आपका। सबको समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। बच्चे